अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मटन शाही गोश्त की रेसिपी, जो काफ़ी मज़ेदार बनता है। तो मटन शाही गोश्त बनाने के लिए मैं तीन मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से काट ली थी। फिर मैं ले ली थी एक कढ़ाई, उसमें डाल देती मैं तेल। तेल ऐड करने के बाद तेल हो गया था हल्का सा गर्म, फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सारी प्याज जो हम काटे थे। फिर प्याज को मैं हल्के से कर लूँगी ब्राउन। फिर उसके बाद मैं ले ली थी कुछ मसाले। तो मसाले में ली हूँ काजू, खसखस, खोपरा और लावा। इसका तो मायर से बना लूंगी पेस्ट पीस के। फिर मैं प्याज को डाल दी थी कुकर में, ताकि कुकर में थोड़ा फ्राई कर दी थी मैं कढ़ाई से निकाल के। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मटन। मटन में ली हूँ मैं 500 ग्राम मटन। ऐड करने के बाद इसको हल्का से भून लूंगी, ये थोड़ा सा पिंक टाइप में हो चुका था। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो खत्म हो जाए, इसमें जरा भी कच्चापन ना रहे अदरक लहसुन में। मेरी कुछ मसाले हैं 1 टेबल स्पून के करीब है रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और नमक। फिर इसमें मैं गोश्त के अंदर ऐड कर देती सारा मसाला। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर देती जो हम पीसे थे काजू और खोपड़े का पेस्ट, वो सब ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से भून ली थी, ताकि जो मसाले को अच्छे से भुना जाए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो मैं मसाले को भून ली थी तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा गिलास के करीब पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं गोश्त को रख दूंगी गलने के लिए 2 सीटी फास्ट पे और 5 से 6 मिनट सीरो पे, ताकि जो गोश्त वो दम से गल जाए। तो गोश्त तो अच्छे से गल चुका है, अब मैं मसाले को अच्छे से भून लूंगी। तो मैं मसाले को अच्छे तरीके से भून ली हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी। अगर आपको सूखा रखना है तो आप रख सकते हैं। मैं हल्का से इसमें डाल दूंगी पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कर लूंगी मिक्स। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कोथमीर। कोथमीर ऐड करने के बाद मैं तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी धीमी आंच पे। फिर गैस को मैं कर दूंगी बंद। और मेरा मटन शाही गोश्त तैयार है। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।